फैमिली कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। तो आज वीडियो की शुरुआत करी है मैंने अपने ये ड्रेसिंग टेबल मैंने ओपन किया हुआ है। आज का जो वीडियो है वो क्लीनिंग वीडियो है और आज मैं अपने ड्रेसिंग टेबल को क्लीन भी करूंगी, ऑर्गेनाइज भी करूंगी, ठीक है, और आपके साथ में शेयर भी करूंगी। और ये रहा हमारा ड्रेसिंग टेबल, पीछे ये रही मैं और पीछे है हमारी मेरी रिंग लाइट और ट्राइपॉड। रिंग लाइट का यूज़ जो है खैर मैं कभी भी नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ ट्राइपॉड का यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले तो कंडीशन बता देती हूँ, ये तो खैर मैंने आपके साथ में पहले भी शेयर किया हुआ था। तो ये देखो उस दिन से ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है, ये है ना, साड़ियाँ वाड़ियाँ सब बिखरी हुई पड़ी हुई है, ऐसे ही मैंने हैंगर के अंदर लटकाई है। कुछ के आयरन करना है, कुछ आयरन करी हुई भी है और सब सामान इस तरह से बिखरा हुआ है। तो ये सामान जो है वो थोड़ा बहुत बिखरा हुआ है तो उसको मुझे अरेंज करना है, और उसमें से अगर कोई सामान ऐसा है ना कि निकालने जैसा है, जैसे कि कुछ ऑयल वॉयल पड़े हैं जो काफ़ी टाइम से पड़े हैं, इनको मैंने यूज़ किया नहीं है, या हो सकता है किसी को थोड़ा बहुत यूज़ किया होगा थोड़ा बहुत। बड़े वाले टिप्स आपको दूंगी कि आप अपने ड्रेसिंग टेबल को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस ड्रेसिंग टेबल क्लीनिंग के साथ में ही मैंने अपने दिवाली की क्लीनिंग की शुरुआत भी कर दी है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि दिवाली तो इतनी दूर है तो फिर इतनी जल्दी क्लीनिंग की शुरुआत क्यों कर दी है। तो हाँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि दिवाली के 10 दिन पहले तक मेरे घर की पूरी साफ सफाई जो है वो अच्छे से हो जाए। और यदि आप पहले अगर स्टार्ट कर देते हो काफी टाइम पहले, तो आपके ऊपर बर्डन नहीं आता है, क्योंकि घर में बहुत सारे काम भी होते हैं, सिर्फ साफ सफाई का काम नहीं होता है। इसलिए मैंने दिवाली की शुरुआत जो है वो आज से ही कर दी है। थोड़ा थोड़ा काम रोज करूंगी। आप भी अगर अपने घर की क्लीनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो मेरे साथ में कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं अपने घर की साफ सफाई जो है वो करती रहूंगी, वैसे वैसे आप भी करते रहिए, तो आपका और मेरा सबका मतलब दोनों का काम जो है वो एक साथ में हो जाएगा, घर की साफ सफाई भी हो जाएगी, ठीक है। और मैंने इस तरीके से रखा हुआ है कि ज्यादा सामान बिखरता नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि धूल मिट्टी जम रही है। ये देखो, अगर मैं थोड़ा सा पास में ले जाके बताऊँ ना, तो ये देखो ये मिट्टी है ना, तो इतनी मिट्टी जम रही है क्योंकि बहुत दिन से इसकी क्लीनिंग बिल्कुल हुई नहीं है। और सामान जो है वो इन 10 दिनों में, खैर मेकअप वेकअप का सामान तो मैंने ज़्यादा कोई यूज़ में लिया नहीं था। शेल्फ जो है वो खाली कर दी है, ये सबसे अपर जो शेल्फ थी उसका सामान है, और उसके जस्ट नीचे जो है वो ये है, क्योंकि सारे ही शेल्फ के अंदर मेरे सामान जो है वो हमेशा फिक्स रहते हैं कि यहाँ पर उसी तरीके से एक्चुअली मैंने जमाए हुए हैं। मैं अपने घर के अंदर मतलब कोई भी पार्ट को ऑर्गेनाइज करती हूँ, सजाती हूँ, संवारती हूँ अपने घर को, तो सबसे पहले जैसे कि हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हमको ऑर्गेनाइजर चाहिए होते हैं। मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बाहर जाऊंगी और बाहर से चीजें परचेस करूंगी। सबसे पहले मैं अपने पूरे ही घर के अंदर घूम जाती हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा सामान जरूर मिल जाता है कि जिससे मैं अपनी चीजों को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकूँ, ठीक है। तो आप भी अगर अपने घर को सजाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो एक बार आप अपने बेडरूम, किचन, हॉल, जितना भी आपका घर का पार्ट है वहां पर अच्छे से घूम जाइए, आपको कोई ना कोई इस तरह का सामान जो है वो जरूर मिल जाएगा। और ये मैं इसके लिए कह रही हूँ क्योंकि आप अगर आज का वीडियो पूरा देखेंगे तो मैं ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको बताऊंगी, तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ ये चीजें तो मेरे घर में भी थी, ये मेरे किचन के अंदर थी, ये मेरे बेडरूम में पड़ी थी, यहाँ पड़ी थी, वहां पड़ी थी, तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे कि ये वाला जो डिब्बा है वो लास्ट दिवाली पर मेरे हस्बैंड की शॉप पर गिफ्ट आया था, और इसके अंदर आए थे ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स थे, तो मुझे ये डब्बा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और ये देखिए लग भी रहा है ना, बिल्कुल जैसे वैनिटी बॉक्स होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके का। तो इसके अंदर मैंने सामान रखे, क्या रखे वो मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए ये जो बॉक्स है ये है मोबाइल का बॉक्स है, और मोबाइल के जो बॉक्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब इतने अच्छे बॉक्स तो आप बाहर खरीदने जाओगे ना तब भी आपको नहीं मिलेंगे। तो इसके अंदर मैंने रखी हुई है वॉचेस, मेरी वॉचेस इसके अंदर रखी हुई है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे कि ये वाला जो डिब्बा है इसके अंदर एक्चुअली जब मैं पहले रेंटेड घर के अंदर रहती थी ना, तो जब घर के अंदर बिल्कुल भी फर्नीचर नहीं था, बिल्कुल जैसे ओपन घर होते बिल्कुल उसी तरीके के थे, तो इस तरीके के बहुत सारे बॉक्स जो है जैसे कि ये है, ये वाला बॉक्स है, तो इस तरीके के बहुत सारे बॉक्स जो है वो मेरे किचन के अंदर रहते थे, क्योंकि इनके अंदर मैं सामान रखती थी। और जब मैं इस घर के अंदर आई तो फिर यहाँ पे आने के बाद में जब फर्नीचर हो गया तो फिर ये डब्बे जो है वो मेरे काम के नहीं रहे, किचन में काम के नहीं रहे, तो फिर मैंने सोचा चलिए इनको फेंकने की बजाय कुछ ना कुछ इसका यूज़ कर लिया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ डब्बों में क्या क्या है।
तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वाले बॉक्स से। तो इसके अंदर मैंने रखी हुई है परी की ये बैंगल्स है, ठीक है। ये वाली जो बैंगल्स है ये तो अभी नई ही लेकर आई हूँ, तो ये तो इसकी साइज आ जाएगी। और इसमें से मैं देख लेती हूँ कि कौन सी बैंगल्स जो है। अच्छा, सबसे पहले मैं पास में से बता देती हूँ, ये देखो परी की ये सारी बैंगल्स। ये इसके एक लहंगा मैंने स्टिच करवाया था 1.5 साल पहले, मतलब कोविड के पहले, ठीक है। तो उसके ऊपर मैचिंग की बैंगल्स थी। ये वाली डांडिया की ड्रेसेस के लिए, ये जो है वो भी डांडिया के लिए हैं। और ये वाली जो है वो नॉर्मल कोई भी लहंगा या फिर कुर्ती वगैरह डालती है तो उसके लिए पहनती है, ये इस तरीके की। पहले मेरे पास में क्या था ना कि एक बैंगल का बॉक्स था, और वो बैंगल का बॉक्स जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने क्या करा था कि उसके बैंगल के बॉक्स के अंदर बैंगल रखने के लिए इस तरीके के रोल वगैरह अंदर रहते हैं ना, तो मैंने उन रोल को रख दिया। बॉक्स तो मैंने फेंक दिया था क्योंकि उसकी सारी जिप्स वगैरह ख़राब हो गई थी, लेकिन हाँ मैंने इसको रख दिया था। तो इसके अंदर फिर मैं परी की जितनी भी बैंगल्स है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो वो पहनती नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन हाँ डांडिया वगैरह में या फिर स्कूल में कभी फंक्शन हो, मंदिर में कुछ फंक्शन होते हैं तो वहाँ पर वो पहनती है, तो वहाँ पर फिर मैं लेती हूँ। खैर ये सारे ना इस तरीके के हैं, आप इसकी साइज़ जो है बड़ी छोटी कर सकते हो, तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि उसको नहीं आएंगे। तो मैं परी के लिए जो भी चीज़ें लाती हूँ वो इसी तरीके के लेके आती हूँ कि वो मतलब काफ़ी टाइम तक पहन सके। और इसी बॉक्स के अंदर मैंने एक डिब्बी रखी हुई है, तो इस डिब्बी के अंदर इसके जितने भी मांग टीका जो होते हैं जो डांडिया वगैरह में पहनती है, ये वाला टीका, तो इस तरीके से एक छोटी सी डिब्बी के अंदर, ज़्यादा तो नहीं है, 3-4 है टीके, तो वो मैंने इसी के अंदर रखे हुए ताकि मैं ये एक बॉक्स खोलूँ और इसी बॉक्स में सारी की सारी चीज़ें जो है वो निकल जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया सारा परी का सामान, और भी है थोड़ा बहुत, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नई बैंगल्स मैं अभी ही लेकर आई थी, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये वाली तो आजकल कुंदन वाली बहुत चल रही है, तो ये लहंगे वगैरह पहनने के लिए या फिर कोई भी अच्छी हैवी कुर्ती पहन रखी है इसने, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी लगती है। और ये जो बॉक्स है इसके अंदर जो ज्वेलरीज है, ये मेरे शादी के टाइम की ज्वेलरी है। शादी के अंदर जो 2-3 दिन तक जो फंक्शंस वगैरह चलते हैं ना, तो उसके अंदर मैंने ये वाली ज्वेलरीज पहनी थी, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज जो है वो जुड़ी हुई है। ये देखिए, ये इसको सटका बोलते हैं ना, जो कमर में लगाया जाता है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगता है। और एक तो है बड़ा ये वाला, और ये है थोड़ा छोटा वाला, ये और भी है। ये है गले का, ये नेकलेस है, तो उस टाइम पे काफ़ी चलती थी मतलब ये जो चीज़ें हैं ना। और अब खैर इनका फैशन कम है, लेकिन हाँ फैशन के अकॉर्डिंग मैं कम चलती हूँ, मुझे जब जो चीज़ अच्छी लगती है मैं पहन लेती हूँ। मैं ऐसा कोई वो यू नहीं है कि जो फैशन आज फैशन तो क्या रोज़ की रोज़ चेंज होती है, तो फैशन के साथ हम लोग नहीं चल सकते हैं। और ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ये मेरा फेवरेट ऑर्गेनाइज़र है, क्या रखा है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये इस तरीके से ओपन होता है ये, और इसके अंदर मैंने रखे हुए अपने सारे बाजू, ये कितना है 1, 2, 3, 4, ये सारे आर्टिफिशियल है। ये वाला ऐसे है, इस तरीके से पहना जाता है। बहुत सुंदर लगते हैं जब आप किसी साड़ी पर लहंगे पर पहनते हो ना, तो काफ़ी अच्छा गेटअप आता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास में। अगर मैं इस वीडियो में सब चीज़ें आपको डिटेल में बताने जाऊंगी ना, तो फिर काफ़ी ज़्यादा वीडियो होने वाला है, फिर आप भाग जाएंगे, पूरा देखेंगे भी हुई है। ये इस तरीके से ना अलग से लटकन मिलती है मार्केट के अंदर। आप कोई भी सिंपल कोई भी लहंगा वियर करते हैं, या फिर कोई सिंपल सी कोई स्कर्ट वगैरह पहनते हैं ना, तो उसके ऊपर भी इस तरीके का यदि आप लटकन लगा देते हैं ना इसके साथ में, देखो इस तरीके से आता है, तो आप टक कर सकते हो, तो इतना अच्छा लुक देता है, काफ़ी रिच लुक देता है, ये दिखने में इतना सुंदर लग रहा है। और ये सब चीज़ें ना अभी की खरीदी नहीं है, इन चीज़ों को मुझे परचेज़ किए हुए कम से कम कोई चीज़ें जो हैं वो 7-7 साल हो गए, 8-8 साल हो गए हैं। लेकिन हाँ ये है कि चीज़ों को इतने अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है, तो वो चीज़ें ख़राब नहीं होती है। तो ये हो गई ये वाले ऑर्गेनाइज़र की बात इसमें। और ये देखो ये किसका डब्बा है, इसको भी मैंने ऑर्गेनाइज़र बना दिया है। इसके अंदर आया था पॉन्ड्स प्योर वाइट फेशियल फोम, बाय 2 गेट 1 फ्री, मतलब 3 इसके अंदर पॉन्ड्स के फेस वॉश जो थे वो साथ में आए थे, तो इसको भी मैंने फेंका नहीं, इसका भी मैंने यूज़ कर लिया है। इसके अंदर मैंने क्या रखा है, ये
इसको एक्चुअली प्रॉपर बोलते क्या है वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है, अगर आप में से किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताना इसको प्रॉपर। वैसे इसको बोलते तो ये है, क्या बोलते हैं इसको, बाजू बोलते हैं, हाँ बाजू। और ये स्पेशल जो राजपूती ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं ना तो उसी के ऊपर पहना जाता है, और फिर इसके साथ में ये बड़ी सी चोटी होती है, पता है इसको पहनने के बाद में यहाँ पे ऐसा लटकता है ये पूरा। ये आपने राजपूती आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे है, इंस्टाग्राम पे बहुत से रील्स वगैरह जो राजपूती पोशाक वगैरह पहन के जो वीडियोस बनाती है ना तो वो स्पेशली इस तरीके के ज़रूर पहनती है, बहुत ही अच्छा गेटअप आता है इसमें। और ये क्या निकला, तो ये क्या निकला, ये विहान की टाई, ये विहान की टाई ये विहान छोटा था ना तब उसकी कोई तो ड्रेस थी उसके ऊपर, कोट के ऊपर आई थी ये टाई, छोटी वाली टाई, पता नहीं ये कहाँ से छुपी हुई थी। तो ये तो खैर ऑर्गेनाइजर नहीं है, ये जब मैंने परचेस किया था नेकलेस तो उसके साथ में ही आया था, ये इस तरीके से आया था। ये पूरा गले का सेट है और ये मैंने पहना था मेरी एंगेजमेंट पर। एक्चुअली पहले ना इसी का ही मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको, पोलकी, पोलकी जो मटेरियल है ये वाला, और पोलकी वाले सेट ही बोले जाते थे, और उस समय इन्हीं का ही ट्रेंड ज़्यादा था, इतना सुंदर लगता था, इतना उस टाइम पे वो सीरियल आता था ना बालिका वधू, और उसमें इसी तरीके के सेट वगैरह पहने जाते थे, तो बहुत ही ट्रेंड था इन्हीं का ही। और इसके साथ में ये देखो इतने बड़े हैवी तो ईयर रिंग्स है ये वाले, ये इसके ईयर रिंग्स है, और साथ में सेम टू सेम ऐसा ही मांग टीका है ये वाला और नेकलेस है। तो ईयर रिंग्स है, मांग टीका है और गले का सेट है, तो पूरा का पूरा सेट है। और ये मैंने पहना था मेरी इंगेजमेंट पर, और मेरे पास में मेरी शादी की एल्बम भी है, यदि आपको देखनी है तो मुझे कमेंट करना, तो फिर मैं एक एक चीज़ें जो है, क्योंकि जो भी आपके जो क्वेश्चंस आते हैं कि ये वीडियो शेयर करने हैं तो वो मैं डायरी के अंदर नोट डाउन करती जा रही हूँ, तो जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता जा रहा है वैसे वैसे मैं चीज़ें आपके साथ में शेयर कर भी रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। लेकिन हाँ, आपको जो जो भी चीज़ें देखनी है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। चीज़ों को जमा के रखते हैं ना तो फिर क्लीनिंग बहुत आसान हो जाती है, बहुत ही आसान हो जाती है। चाहे आपका मतलब आपकी वार्डरोब जो है वो अच्छे से बनी हुई है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सिंपल जो आपकी अलमारी जो होती है ना जो मेटल की होती है उनके अंदर भी आप चीज़ों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र में रखेंगे ना तो फिर आपके सामान जो है वो सालों साल तक ना तो ख़राब होंगे ना ही बिखरेंगे, और चीज़ें जब आपको चाहिए होगी तब आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगी। और ये है मेरा सारा फेवरेट वाला खजाना। तो ये वाला ईयरिंग मैं कुछ साल पहले लेकर आई थी, क्योंकि मेरे कानों में भी सिर्फ एक ही होल है, और मुझे भी बीच में शौक चढ़ा था कि ऊपर की तरफ भी लेडीज़ पहनती है ना, लड़कियां पहनती है दो तीन अलग अलग, तो इस तरीके की ईयरिंग्स मिलते हैं कि आपको कोई होल कराने की ज़रूरत नहीं होती है, जो मेन होल होता है खाली वहीं पर ही आप ईयरिंग को पहनेंगे तो फिर ऊपर जो है वो डायमंड वगैरह लगे रहते हैं। तो मैंने इसको सिर्फ एक बार ही पहना और उसके बाद से ये ऐसा ही पड़ा हुआ। और इसके अलावा ये देखो मेरे पास में ईयरिंग्स के दो बॉक्सेज है, एक है छोटा बॉक्स जो कि आप अभी देख रहे हैं वीडियो में, और एक है बड़ा वाला बॉक्स। तो छोटा वाला जो बॉक्स है उसके अंदर मैं अपने जो छोटे छोटे ईयरिंग्स होते हैं ना जो कि आप कुर्तीज़ पे पहनते हैं, जीन्स पर भी पहनते हैं, और या फिर हल्के फुल्के आपने साड़ी पहनी है तो उसके ऊपर पहनने के लिए, तो वो सारे मैंने अलग करके रखे हुए हैं छोटे बॉक्स के अंदर। और अभी जो आप देख रहे हैं वो है बड़ा वाला बॉक्स, तो इसके अंदर सारे के सारे हैवी ईयरिंग्स है जो थोड़े से बड़े हैं, और खैर ये सारे के सारे पुराने ही हैं, इसमें से कुछ शायद दो या तीन ईयरिंग होंगे जो मैं अभी लास्ट ईयर में लेकर आई हूँ, बाकी सारे के सारे ईयरिंग्स जो है वो पुराने हैं। और इस तरीके से चीज़ों को मैं रखती हूँ कि बहुत ही लंबे टाइम तक चीज़ें जो है वो सेफ़ रहती है, ख़राब नहीं होती है। और चीज़ों को जब यदि ऑर्गेनाइज़र के अंदर रखते हैं ना तो ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना वो जितनी ज़्यादा अगर एक्सप्लोर होती है बाहर मतलब मॉइस्चर के साथ में ना तो वो चीज़ें जल्दी ख़राब होती है, और यदि आप इस तरीके से उनको बंद करके रखेंगे अच्छे से ना तो फिर वो चीज़ें ख़राब नहीं होती है। और ईयरिंग्स के ये वाले जो बॉक्स हैं वो तो बहुत ही ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएंगे और अमेज़ोन पर भी मिलते हैं यदि मुझे लिंक मिल जाता है। खैर ये मैं लोकल मार्केट से लेकर आई थी, लेकिन मुझे यदि लिंक वगैरह मिल जाएंगे तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और उसके बाद में बारी आती है ये सारे नेक पीस की, तो ढेर सारे नेक पीस है मेरे पास में, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक है ईयरिंग्स का भी और नेक पीस का भी, तो छोटे बड़े हर तरीके के कान के भी है और साथ में नेक पीस भी है। तो इन नेक पीस को मैं आप जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया है, तो मेरे पास में इस तरह के बहुत सारे पॉली बैग्स है जो स्पेशली मैं इन्हीं के लिए लेकर आई हूँ, तो सारे ही जितने भी मेरे पास में नेक पीस है उनको मैं इन पॉली बैग्स में अलग अलग करके रखती हूँ ताकि एक दूसरे के वो टच में ना आए। और कई बार ऐसा होता है ना कि चीज़ें पड़ी पड़ी भी उनके अंदर से डायमंड वगैरह निकल जाते हैं, तो यदि किसी भी नेक पीस का डायमंड निकलेगा तो
तो वो उसी पॉली बैग के अंदर रहेगा ताकि मैं उनको फिर से उसके अंदर लगा सकती हूँ। और उसके बाद में इन पॉली बैग्स में भरने के बाद में मैंने इस तरीके के ये ऑर्गेनाइज़र है जो मैं परचेज़ करके नहीं लेकर आई हूँ, ये एक्चुअली मैंने मतलब 2 या 3 साल पहले जैन साहब के ना एक वो आया था, कार्ड आया था अमेज़ोन का कि आप 2 या 3 हज़ार की शॉपिंग जो है वो फ्री में कर सकते हैं। तो शॉपिंग केयर कार्ड उनके लिए आया था लेकिन सारी की सारी शॉपिंग मैंने मेरे लिए कर ली थी। तो मैंने उस टाइम पर ये 5 से 6 नेक पीस ऑनलाइन वहीं अमेज़ोन से ही मंगा दिए थे। तो वो सारे के सारे नेक पीस जो थे वो इस बॉक्स के अंदर आए थे। तो एक नेक पीस जो था मतलब एक जो गले का पूरा सेट होता था ना वो एक बॉक्स में आया था। तो फिर मैंने क्या करा कि उसके नीचे एक फॉर्म की शीट आई थी, तो फॉर्म की शीट तो मैंने हटा दी और फिर मेरे पास में जितने भी पहले के भी पड़े हुए थे नए और भी जो लेकर आई हूँ तो वो मैंने सारे इन्हीं बॉक्सेस के अंदर रख दिए ताकि सारे के सारी गले के जो सेट है वो मुझे एक साथ में मिल जाए। अच्छा, इसके अलावा जब कभी कोई शादी फंक्शन में जाना होता है ना तब मैं इन्हीं बॉक्सेस को ही लेके चली जाती हूँ। मतलब जो भी मुझे 2 सेट या 3 सेट 4 सेट जितने भी मुझे चाहिए होते हैं तो वो मैं इन्हीं पॉली बैग्स के अंदर रख के ही इन बॉक्सेस में लेके जाती हूँ ताकि फंक्शन में जब भी मुझे पहनना पहन लेती हूँ और पहनने के बाद में फिर से इन्हीं पॉली बैग्स में डाल के इन बॉक्स में रख देती हूँ ताकि चीज़ें जो है वो मेरी ख़राब नहीं होती है। तो ये वाला टिप जो है एक बार आप ज़रूर फॉलो करके देखना। और देखिए ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं मिलती है मेरे पास में, तो खैर इस तरीके से चीज़ें जो है वो मिल गई है, लेकिन अगर आपके पास में नहीं है आप परचेस करना भी चाहते हैं तो बहुत ही कम रेंज में मार्केट में मिल जाती है। आप एक बार ज़रूर परचेस करो और एक बार ख़रीदने के बाद में 2 साल 5 साल 10 साल अगर आप अच्छे से केयर करके रखते हैं तो इन चीज़ों को कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मेरे पास में पैचेस भी हैं जो ईयरिंग्स के साथ में आते हैं ना, वो तो एक छोटी सी मैंने डब्बी रखी हुई है जो कि अभी मैंने वीडियो में बताई भी थी, उसके अंदर मैं बहुत सारे पैच रखती हूँ। तो जब कभी शादी फंक्शन में जाते हैं ना तो वो डब्बी भी मैं साथ में लेके जाती हूँ क्योंकि ईयरिंग के साथ में एक ही पैच आता है और फिर कई बार वो हमारे हाथ से गिर भी जाता है, गुम जाता है या ख़राब भी हो जाता है, तो एक्स्ट्रा पैचेस मैं हमेशा रखती हूँ। और इसके अलावा आइसक्रीम का डिब्बा जो है वो मेरा फेवरेट ऑर्गेनाइज़र है, चाहे किचन हो चाहे मेरा वार्ड्रोब हो या मेरा ड्रेसिंग टेबल हो या बच्चों का स्टेशनरी का सामान रखना हो तो मैं इन आइसक्रीम के बॉक्सेस का यूज़ ज़रूर करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर ऑर्गेनाइज हो जाती है। और उसके बाद में अभी जो मैं वीडियो में बता रही हूँ वो है मांग टीका, सॉरी मांग टीका नहीं, इसको बोलते हैं शीश फूल, और ये स्पेशली एक्चुअली राजपूती ड्रेसेस पर पहना जाता है लेकिन आजकल ट्रेंड में है, आप साड़ी के ऊपर भी पहन सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो मेरे पास में ये पहले थे नहीं, अभी मैंने ये शायद 3-4 महीने पहले ही मार्केट से परचेज़ किए हैं, जब मैं अभी बीच में उदयपुर गई थी ना तब मैं वहाँ से लेकर आई थी। तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, अभी तक मैंने ये पहने नहीं हैं और जब मैं कभी किसी भी शादी फंक्शन में जाऊँगी पहनूंगी तो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो चीज़ें सारी मैंने अच्छे से क्लीन वगैरह करके जमा दी है और उसके बाद में दोनों ही शेल्फ जो है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया, पहले ड्राई क्लीन मतलब एक सूखे कपड़े से साफ़ किया और उसके बाद में उसको मैंने जो DIY क्लीनर है उससे साफ़ कर दिया है। तो पहले मैंने 2 शेल्फ जो है उसको साफ़ किया और सारे सामान जमा दिए और उसके बाद में बारी आती है 3rd शेल्फ की। और ये वाला बॉक्स जो है वो मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था, एक्चुअली लास्ट ईयर मैं उसके घर पे गई थी तो मुझे ये वाला बॉक्स काफ़ी अच्छा लगा और इसका कलर काफ़ी अच्छा था और मैंने सोचा कि इसको एज ऑर्गेनाइज़र मैं काम में ले सकती हूँ, तो मैं फिर उससे लेकर आ गई थी। और इसके अंदर मैं रखती हूँ अपने सारे ही मेकअप के सामान, खैर बहुत ज़्यादा मेकअप मैं करती नहीं हूँ, कभी कभार जब शादी फंक्शन में या किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तभी करती हूँ। और उसके बाद में बारी आती है कि परी के कुछ सामान तो मैंने आपको पहले बताए थे लेकिन छोटे मोटे और बहुत से सामान होते हैं तो मैंने ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र स्पेशली परचेज़ किए हैं, बहुत ही कम रेंज में जैसा कि मैंने आपको बताया मिल जाते हैं। और एक बॉक्स के अंदर मैंने उसकी जितनी भी हेयर पिंस होती है वो रखी हुई है, एक के अंदर जो उसकी पोनी वगैरह बनाने के लिए जो हेयर बैंड होते हैं मतलब जो रिंग्स होती है वो रखी है, रिंग में भी छोटी रिंग्स भी है कुछ बड़ी रिंग है तो उनको मैंने अलग अलग करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से जिनके घर के अंदर लड़कियां होंगी ना तो उन्हें पता होगा कि ढेर सारा सामान होता है और वो इस तरीके से बिखर जाता है, मिक्स हो जाता है और जब कभी हम कहीं जाना होता है ना तब हमें चीज़ें मिलती नहीं है। तो इसीलिए मैंने आज का जो वीडियो है ये क्लीनिंग वीडियो, लेकिन मैंने इसको बहुत ही डिटेल में बनाया है, यदि आप स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। आप यदि डिटेल में इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर करी है कि आप घर की चीज़ों का यूज़ करके भी अपने अपने वार्डरोब को अपने ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और एक्चुअली पहले मुझे भी पता नहीं चलता था, जब मैं रेंटेड घर के अंदर रहती थी ना तो मुझे चीज़ें सही कहूँ तो नहीं पता चलती थी क्योंकि बच्चे मेरे ट्विंस हैं और उनके साथ में मैं इतनी ज़्यादा बिजी रहती थी, मेरा मूड जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं रहता था। लेकिन जब बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो फिर मुझे चीज़ें समझ में आने लगी और उसके बाद में मैं अपने घर को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखने लगी। और अभी आपको ये ग्रीन कलर की जो ग्लासेस दिख रही होगी ना
ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी ना तो आप बोलेंगे कि क्या जुगाड़ू काम करती है। एक्चुअली जब मेरे बच्चे 6 साल के हुए थे तब मैंने अपने घर पर बर्थडे सेलिब्रेशन किया था और फिर बच्चों को रिटर्न गिफ्ट देने के लिए मैं ये ग्लासेस लेकर आई थी। तब हुआ क्या था कि मैंने शायद 30 या 35 बच्चों को इन्वाइट किया था लेकिन 5-6 बच्चे कम आए थे, तो 6 ग्लास का एक पूरा सेट था वो पड़ा रह गया था। तो इतने टाइम तो वो पड़ा हुआ ही था लेकिन अभी 2-3 साल पहले जब मैंने फिर से घर की क्लीनिंग करी ना वो बॉक्स मेरे हाथ में आया तो मैंने सोचा कि अब इनका क्या यूज़ करूँगी मैं, क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तो बच्चों को कलरफुल चीज़ें पसंद थी तो उनको इस तरह की ग्लासेस में मैं देती थी, लेकिन अब मैं स्टील के ग्लासों का यूज़ ही करती हूँ, प्लास्टिक के ग्लासों का यूज़ नहीं करती हूँ। तो इन 6 ग्लास में से मैंने 4 ग्लासेस तो मैंने बच्चों को दे दिए तो उन्होंने उनकी स्टेशनरी के सामान उनके अंदर ऑर्गेनाइज करके रखे हैं, और 2 ग्लासेस जो है वो मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल के अंदर मेरे जितने भी मेकअप के ब्रश है वो उसके अंदर रखती हूँ। और ये ब्लैक वाला जो आपको बॉक्स दिख रहा होगा तो ये मैंने जो मेकअप के ब्रश है ना वो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे अमेजोन से, तो वो इसी बॉक्स के अंदर आए थे। तो ब्रश को तो मैंने इन ग्लासेस के अंदर ऑर्गेनाइज करके रख दिया और उस बॉक्स के अंदर मैंने रखा है जो मेरी एक्स्ट्रा लिपस्टिक वगैरह होती है ना वो, तो उस बॉक्स के अंदर कम से कम 7 से 8 लिपस्टिक जो है वो बहुत ही अच्छे से आ जाती है। तो जब कभी मेरे को शादी में स्पेशली जाना होता है ना तो मेरे को 3-4 शेड्स चाहिए होते हैं तो मैं उसके अंदर लिपस्टिक जो है वो अरेंज करके और फिर आराम से रख देती हूँ और बहुत ही कन्वीनियंट है, सूटकेस वगैरह में बहुत ही अच्छे से आ जाता है। तो देखिए बातों बातों में मेरा जो तीसरा शेल्फ है वो भी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया और अब बारी आती है 4th वन की। और ये जो आपको ब्राउन कलर का बॉक्स दिख रहा है ये है ड्राई फ्रूट रखने का बॉक्स, तो ड्राई फ्रूट तो खैर मैं नहीं रखती हूँ और इसका भी मैंने एज ऑर्गेनाइजर यूज़ किया है। तो इसके अंदर मैंने रखी है 4 एक्चुअली इसके अंदर कैबिनेट्स है, एक के अंदर मैंने रखी है सेफ्टी पिन, एक के अंदर रखी है मेरी हेयर पिन, एक में रखी है मैंने टिकटॉक और एक बॉक्स के अंदर मैंने रख दिए हैं अपने छोटे मोटे जो क्लचर्स वगैरह होते हैं ना वो, तो दिखने में काफ़ी अच्छा भी दिखता है और ड्रेसिंग टेबल के अंदर रखते हैं ना तो वो काफ़ी कलरफुल दिखता है। और उसके बाद में परी के बहुत सारे हेयर पिंस है, मुझे एक्चुअली परी से भी ज़्यादा मुझे शौक है हेयर पिंस लाने का, तो बहुत सारे हेयर पिन जो है वो डेली रूटीन में पहनती है। और ये बड़ा वाला बॉक्स जो कि मैंने अभी आपको बताया ना तो इसके अंदर मैं परी के जो पार्टी वेयर हेयर पिंस होते हैं और कुछ पिन वगैरह रहती है तो वो सब इसके अंदर रखती हूँ और इस तरह से अलग अलग करके रखती हूँ, क्योंकि अभी परी जो है वो बड़ी हो गई है और वो खुद से ही तैयार होती है, खुद से ही अपने सारे सामान निकालती है। तो मैंने इस तरीके से उसकी सारी चीज़ों को, चाहे उसकी पिन हो, हेयर पिंस हो, हेयर बैंड हो, हेयर रिंग्स हो, तो सभी चीज़ों को मैंने सेग्रीगेट करके रखा है और उसको बता के भी रखा हुआ है, समझा के रखा है कि बेटा इस तरह से मैंने चीज़ों को अलग अलग करके रखा है तो आपको भी चीज़ों को ऐसे ही मैनेज करके रखना है, क्योंकि हम जैसा हम काम करेंगे वैसे ही तो हमारे बच्चे भी काम करेंगे। तो और अच्छा, ये जो आपको दिख रही है ये हेयर मतलब जो पोनी बनाते हैं ना तो उसमें लगाने की रिंग्स है, लेकिन आजकल मैंने देखा है कि जो लड़कियाँ हैं ना उनको हाथ में भी पहनती है तो मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी थी तो मैं इस तरह से 3 लेकर आ गई हूँ। तो जब कभी जीन्स वगैरह मैं भी पहनती हूँ तो मैं भी इस तरह से हाथ में डाल देती हूँ, एक हाथ में वॉच और एक हाथ में इस तरह के क्रंचेस पहन सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी रिच लुक देता है। तो ये है परी के सारे ही सामान मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं। ऑर्गेनाइज़र के साथ में छोटी छोटी डब्बियाँ भी चाहिए होती क्योंकि बहुत से छोटे छोटे सामान जो है वो हमारे होते हैं, जैसे कि मैंने अपनी फिंगर रिंग्स को रखने के लिए छोटा वाला जो डिब्बी है इसके अंदर मैं एक बार वॉच लेके आई थी तो मेरी वॉच इसके अंदर आई थी, तो इसके अंदर मैंने अपनी सारी फिंगर रिंग रखी हुई है। और इसके अलावा बहुत सारी ये जूड़ा पिन होती है, इसके अलावा वो जो बॉबी पिन होती है, टिकटॉक पिन होती है, तो इन सब के लिए अलग अलग मैंने छोटे छोटे से डिब्बियाँ कुछ तो मैं परचेस करके भी लेकर आई हूँ और कुछ जो है वो मेरे को मतलब आप घर में ढूंढेंगे तो आपको भी आपके घर में बहुत सारे इस तरह के ऑर्गेनाइज़र मिल जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आइसक्रीम का जो बॉक्स है वो मेरा फेवरेट ऑर्गेनाइज़र है, क्योंकि ढेर सारे आइसक्रीम के बॉक्स मेरे घर के अंदर मिल जाते हैं तो मैं उसको फेंकती कभी भी नहीं फेंकती हूँ, उनको मैं हमेशा धो के और अच्छे से ड्राई करके उनको रख देती हूँ और फिर जब मुझे कभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना होता है तो उसका यूज़ मैं ज़रूर करती हूँ। तो अब बारी आती है बिल्कुल लास्ट वाला शेल्फ क्लीन करने की। तो ये मेरे ड्रेसिंग टेबल का सबसे मेसी आप कह सकते हैं पार्ट तो वो यही है, क्योंकि यहाँ पर रहते हैं सारे स्किन केयर प्रोडक्ट और ढेर सारे ऑयल। तो आइसक्रीम का जो बॉक्स है उसके अंदर मैंने अपने जितने भी ऑयल है वो सारे इसमें रखे हैं, और ऑयल के अंदर जैसे कि नीम का ऑयल है, बादाम ऑयल है और ऑनियन ऑयल है, पैराशूट ऑयल है
और इसके अलावा ग्लिसरीन है, कैस्टर ऑयल, तो बहुत सारे मैंने ऑयल जो है वो रखे हुए हैं, क्योंकि कई बार मैं घर पे डीआईवाई ऑयल भी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हेयर फॉल जो है ना वो कभी अचानक से बहुत सा हेयर फॉल होने लग जाता है और कभी कभी अचानक से बंद भी हो जाता है। तो जब ढेर सारा हेयर फॉल जब होता है ना, तब फिर मैं इस तरह से डीआईवाई ऑयल जो है वो बनाती हूँ, लगाती हूँ। और यदि आपको भी देखना है कि मतलब जानना है कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, और अच्छा इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी थी फेंकने जैसी थी, तो वो मैंने फेंक भी दी है। और ये छोटी छोटी सी डिब्बियाँ आपको दिख रही होगी, तो ये डिब्बियाँ जब मुझे कभी छोटी मोटी क्रीम लानी होती है ना, तब मैं लेकर आती हूँ, और जब क्रीम ख़त्म हो जाती है तो उन डिब्बियों को मैं बहुत ही अच्छे से क्लीन करके और अच्छे से ड्राई कर देती हूँ। उसके बाद में उसको मैं ड्रेसिंग टेबल में हमेशा संभाल के रखती हूँ, क्योंकि जब कभी हमको एक या दो दिन के लिए, जैसे कभी हम घूमने गए, अभी जैसे बीच में हम लोग महाबलेश्वर गए थे, तब हम बड़ा बड़ा जो लोशन वगैरह होता है ना वो उठा के नहीं ले जा सकते हैं, क्रीम उठा के नहीं ले जा सकते हैं, तो फिर मैं इस तरह के छोटी छोटी डिब्बियों में रख देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि आपका जो लगेज है वो भी कम हो जाता है और आपका काम भी हो जाता है। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। आई होप आपको मेरे ये छोटे छोटे टिप जो है वो ज़रूर पसंद आए होंगे। और साथ में मैंने एक बास्केट भी रखी है ग्रे कलर की, और उसके अंदर मैं रखती हूँ जितने भी एक्स्ट्रा सामान है, जैसे कि टिशू पेपर रखे हुए हैं, और जेंट्स आप जो बाल को काला करने के लिए जो डाई वगैरह होती है ना, वो भी मैंने उसके अंदर रखी हुई है। और जो भी छोटे छोटे सामान होते हैं, जैसे कि कई बार हम बाहर से आते हैं तो वॉच वगैरह खोल के हम ऐसे ही डाल देते हैं, तो वो भी मैं उसी के अंदर रखती हूँ। और साथ में मैंने एक पर्स भी रखा हुआ था, तो उसके अंदर मैं रखती हूँ कॉइन, क्योंकि कॉइन जो है वो हमारे घर में हर कोने में मुझे लगता है कि पड़े रहते हैं। तो बच्चों को भी मैंने बता के रखा है, तो कहीं पर भी आपको कॉइन दिखे तो आप उसके अंदर डाल दो। तो एक पर्स मैंने रखा है। और उसके बाद में बारी आती है, ये मेरा बहुत ही फेवरेट वाला आप ऑर्गेनाइज़र कह सकते हैं, और ये ऑर्गेनाइज़र मेरा बहुत ही पुराना है, जब मैं रेंटेड घर के अंदर रहती थी और जब मेरे पास में इतनी बड़ी वार्डरोब नहीं थी, तब इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर मैं अपने सामान रखती थी, और अभी भी मैं उसी तरीके से यूज़ में लेती हूँ जैसा कि मैं पहले लेती थी। और इसकी खास बात यह है कि इसके सारे के सारे जो कैबिनेट से वो निकल जाते हैं, तो बहुत ही इजीली आप उसको वॉश कर सकते हैं। और अभी मैं इसको बहुत ही अच्छे से धो के लेकर आई हूँ, उसका वीडियो फिर मैंने नहीं बनाया था। तो सबसे ऊपर वाले पार्ट में मैंने रखी हुई है लिपस्टिक, रखी हुई है लिप बाम जो है वो रखा हुआ है, और नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसके अंदर मैं रखती हूँ जो ईयरबड्स होती है वो, थर्ड वाले पार्ट के अंदर, अच्छा सबसे जो नीचे वाला भाग है उसके अंदर जो डेली रूटीन में परी की और मेरे जो हेयर रिंग्स होती है वो मैं रखती हूँ, और इसके जस्ट ऊपर वाला भाग है उसके अंदर मैं रखती हूँ मेरी जो डेली में जो बिंदी वगैरह लगाती हूँ वो रखती हूँ, और उसके अलावा जो टिकटॉक पिन होती है वो रखती हूँ। तो ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है वो मैंने इसके लिए रखा हुआ है, क्योंकि बार बार अगर मैं सारी चीज़ें ड्रेसिंग टेबल के अंदर रखूँगी ना, तो जब भी चीज़ चाहिए होगी तब हम बार बार ड्रेसिंग टेबल को खोलेंगे तो वो मैस फैलता है, गंदा भी होता है। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि परी भी अब बड़ी हो गई है, वो खुद तैयार होती है, तो मैंने ये वाला ऑर्गेनाइज़र जो है वो ड्रेसिंग टेबल के बाहर रख रखा है, जो अभी मैं आपको क्लीन करके बता रही हूँ ना पार्ट वहाँ पर। तो होता क्या है कि बार बार ड्रेसिंग टेबल खोलने की ज़रूरत नहीं होती है, इस छोटे से ऑर्गेनाइज़र के अंदर ढेर सारी चीज़ें आ जाती है डेली रूटीन की, तो बहुत ही कन्वीनियंट होता है चीज़ों को निकालना। और बस इस तरीके से पूरा ही ड्रेसिंग टेबल मैंने क्लीन कर दिया है, और अब बारी आती है ड्रेसिंग टेबल का जो पूरा कांच है उसको भी क्लीन करने की। खैर ये तो रोज का ही काम है, दिन में एक बार जरूर क्लीन होता है। तो पूरा ड्रेसिंग टेबल क्लीन हो गया है, और अब मैं आपको क्लीनिंग के बाद का वीडियो दिखा रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। पूरा ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज हो गया है, तो इस तरीके से बस छोटी छोटी सी जो क्लीनिंग है वो रोज मैं निकालूंगी, और रोज थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, क्योंकि अभी दिवाली में काफी दिन बाकी है, और दिवाली आते आते मतलब दिवाली के 10 दिन पहले तक मेरा यही टारगेट होता है कि दिवाली के 10 दिन पहले तक घर की क्लीनिंग जो है वो अच्छे से हो जाए, क्योंकि उसके बाद में जैसे कि घर के डेकोरेशन होते हैं, कुछ स्वीट्स वगैरह बनानी होती है, स्नैक्स बनाने होते हैं, और कुछ शॉपिंग होती है, तो ये सारे काम भी पेंडिंग होते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि 10 दिन पहले तक घर की सारी साफ सफाई हो जाए, तो जिसको भी अपने घर में क्लीनिंग की शुरुआत करनी है तो मेरे साथ में कर सकते हो। और आज देखो कितना अच्छे से मेरा ड्रेसिंग टेबल जो है वो ऑर्गेनाइज हो गया है,
अब देखते हैं जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं थोड़ा थोड़ा काम रोज करूंगी। इसके बाद में टारगेट रहेगा मेरा वार्डरोब क्लीनिंग का, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा गंदी हो रही है। तो सबसे पहले अच्छा स्टार्टिंग में हमेशा अपने बेडरूम से ही करती हूँ, क्योंकि बेडरूम के अंदर सामान तो बहुत है, लेकिन सारा का सारा सामान जो है वो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से मैंने रखा हुआ है। तो होता है क्या है कि चीजें जो है वो थोड़ी इधर की उधर हो जाती है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो बहुत कम टाइम लगता है इस रूम के अंदर, तो इसके लिए सबसे पहले शुरुआत मैं यहीं से करती हूँ, ताकि फिर मुझे बहुत बड़ा बर्डन ना लगे साफ सफाई का। और सबसे लास्ट में नंबर आता है किसका आता है मुझे बता दो। तो सबसे लास्ट में नंबर आता है किचन का, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क वही होता है, तो सबसे लास्ट में उसी को करती हूँ। तो बस इसी के साथ में ही आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आया है, अच्छा एक चीज और, ये मैंने ड्रेसिंग टेबल जो है उसकी क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन, ये दो चीज तो आपको बताई है। बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास में, जैसे कि मैंने कुछ कुछ ज्वेलरी जो है आपको शो करी है, बहुत सारी ज्वेलरी से इयररिंग्स बहुत सारे हैं, बैंगल्स बहुत सारे हैं, नेक पीस जो है वो भी हैं, और मतलब बहुत सारी चीजें। तो अगर आपको देखनी है तो मुझे कमेंट करना, तो ज्यादा अगर मुझे कमेंट आते हैं तो फिर मैं जरूर उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, और अदरवाइज नहीं तो फिर वो जब जब चीजें से मैं पहनूंगी तो आपको पता चल ही जाएगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो जो है वो यहीं पे एंड करते हैं। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।